Hello everyone, welcome to EduChants. Today we are going to discuss about relationship between sociology and education. That is our second unit of SSB. It is also included in UGC NET syllabus. That is why we are here discussing the SSB lecturer classes as well as UGC NET December 2023 classes. जो लोग इसमें interested हैं वो हमारे videos जो है first unit का philosophy जो हमने cover कर रखा है वो आप हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हो। अब हमारा ये जो लेक्चर है ये लेक्चर नंबर 10 है। ये कॉन्टिन्यूसली हमारा एसएसबी का क्लास होता जा रहा है, उसके साथ ही साथ हम यूजीसी नेट का भी क्लास स्टार्ट करेंगे। ऑलमोस्ट बहुत सारी चीज़ें सिमिलर हैं, तो आप ये सारे क्लासेस को भी अटेंड कर सकते हो। दोज हैव नॉट येट जॉइंड आवर टेलीग्राम चैनल सो यू कैन जॉइन, एंड आई विल गिव यू द लिंक ऑफ आवर इंस्टाग्राम चैनल ऑल्सो, यू कैन जॉइन अवर देयर फॉर एनी क्वेरीज। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। तो आज का क्लास देखिए सोशियोलॉजी पर है, तो इस पिक्चर को आप पहचानिए कि ये कौन है, इनके बारे में भी हम जानेंगे अच्छी तरीके से। पहले देखते हैं ये है कौन और सोशियोलॉजी क्या होता है, मीनिंग जानते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले जानते हैं द वर्ड सोशियोलॉजी वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय द वेल नोन फ्रेंच फिलोसोफर, जिसका फोटो आपने देखा पिक्चर में, उनका नाम है ऑगस्ट कॉम्टे इन हिज लेक्चर 1837। फर्स्ट टाइम सोशियोलॉजी द वर्ड है इसे यूज किया गया था फ्रेंच फिलोसोफर ऑगस्ट कॉम्टे के द्वारा 1837 में जब वो लेक्चर दे रहे थे। दैट इज व्हाई ही इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी के वो फादर है। 1837 में सबसे पहली बार उन्होंने सोशियोलॉजी एक शब्द उन्होंने प्रयोग किया था, वो फ्रांस से बिलोंग करते हैं। ही कॉइंड द वर्ड सोशियोलॉजी बाय कंबाइनिंग द ग्रीक वर्ड सोसाइटस मीन्स सोसाइटी एंड लैटिन वर्ड लोगस मीन्स साइंस और स्टडी, सो सोशियोलॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ सोसाइटी। उन्होंने ये सोशियोलॉजी वर्ड जो है दिया था, जिसका मूल अक्षर जो है, जो रूट वर्ड है वो है सोसाइटस, जो कि एक ग्रीक शब्द है, उसका मीनिंग होता है समाज सोसाइटी, और एक लैटिन शब्द है जिसका नाम है लोगस, जिसका मतलब होता है साइंस और स्टडी, यानी विज्ञान या फिर अध्ययन। ठीक है, तो सोशियोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ द सोसाइटी, समाज का अध्ययन। ठीक है, उनका एक डेफिनेशन है बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। मैंने कहा कि सोशियोलॉजी में अगर कुछ पूछा जाता है डेफिनेशंस, तो उनमें इनका जो डेफिनेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो नेट में भी आ सकता है, एसएसबी में तो फ्रिक्वेंटली आता है डेफिनेशन वगैरह। ठीक है, डेफिनेशन अच्छे से याद रखिएगा। उन्होंने कहा अकॉर्डिंग टू हिम सोशियोलॉजी इज द फंडामेंटल साइंस विच डील्स विद द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन सोसाइटी एंड द इंडिविजुअल। इन्होंने कहा कि सोशियोलॉजी एक ऐसा विज्ञान है, फंडामेंटल साइंस यानी कि जो एक मूल विज्ञान है, जो कि क्या करता है, साइंटिफिक मेथड अप्लाई करता है, यानी एक वैज्ञानिक प्रक्रिया से वो क्या करता है, स्टडी करता है। किस चीज को स्टडी करता है, सोसाइटी और इंडिविजुअल, यानी समाज और व्यक्ति के अंदर क्या रिलेशन है, उसको वो वैज्ञानिक प्रक्रिया से अध्ययन करता है, यानी इट इज अ स्टडी ऑफ ए साइंटिफिक प्रोसेस और रिलेशनशिप बिटवीन सोसाइटी एंड इंडिविजुअल थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड। ठीक है, अच्छा, बहुत सारे चीजें होता है जो कि साइंटिफिक मेथड से पूछा जाता है, लगभग नेट में पूछने वाले सवाल ये होते हैं, नेट में ये पूछा जाता है कि साइंटिफिक मेथड होता क्या है। बेसिकली साइंटिफिक मेथड को हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ जो साइंस यूज करता है वही साइंटिफिक मेथड है, नहीं, साइंटिफिक मेथड मतलब एनीथिंग दैट इज सिस्टमैटिक, एनीथिंग दैट इज सिस्टमैटिक, जो सिस्टमैटिक हो और जो वेरीफाइबल हो। ठीक है, यानी कि जिसको हम वेरीफाई कर सके, ठीक है, और जो सिस्टमैटिक हो, उसके साथ ही साथ हर चीज देखिए आपको सिस्टमैटिक चाहिए, यानी कि ऑर्डर्ड होना चाहिए, वेरीफाइबल होना चाहिए, और ये यूनिवर्सल भी होना चाहिए, जैसे कि 2+2=4, ये यूनिवर्सल है, आप कहीं पे भी जाइए आपको 4 ही मिलेगा। तो साइंटिफिक मेथड मतलब विच इज सिस्टमैटिक, विच इज वेरी वेरीफाइबल एंड विच इज यूनिवर्सल। ठीक है, तो ये ऐसे साइंटिफिक मेथड को अप्लाई करता है जिससे हम सोसाइटी और इंडिविजुअल के अंदर क्या रिलेशन है उसको हम अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है कुछ डेफिनेशन ऑफ सोशियोलॉजी, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन याद रखेंगे, और अगर आपको लगता है और भी ज्यादा डेफिनेशन याद रखना चाहिए तो फिर आप वो पढ़ सकते हो, लेकिन आप कुछ डेफिनेशन जो इंपॉर्टेंट पर्सन ने दिया है उसको जरूर याद रखिएगा, वो एग्जाम में बार बार पूछता रहता है, वेदर इट इज नेट एग्जामिनेशन वेदर इट इज एसएसबी। मैक्स वेबर ने एक डेफिनेशन दिया, सोशियोलॉजी इज अ साइंस विच अटेम्प्ट्स टू इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल साइंस।
यानी सोशल एक्शन का क्या होता है, एक इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग होता है। तो सोशियोलॉजी एक प्रकार का विज्ञान है जो कि कोशिश करता है, विच अटेम्प्ट्स, क्या करता है कोशिश करने की, वो समझने की कोशिश करता है, इंटरप्रिट करने की कोशिश करता है सोशल एक्शंस को। ठीक है, समाज में हमारा जो कर्तृत्व होता है यानी जो काम होता है, हमारा जो कर्तव्य होता है, उसको वो इंटरप्रिट करता है और समझता है। ठीक है, देन पार्सन, तलकट पार्सन ने कहा सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोशल एक्शंस। सोशियोलॉजी क्या है, सोशल एक्शंस का अध्ययन, हम समाज में कैसे बिहेव करते हैं, हमारा व्यवहार क्या होता है, उसका अध्ययन करता है पार्सन। किम्बल यंग ने कहा सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन ग्रुप्स। ग्रुप में हमारा क्या बिहेवियर होता है, क्या आचरण होता है, उसको वो अध्ययन करता है सोशियोलॉजी। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं एजुकेशन में, यानी एजुकेशनल साइकोलॉजी, सॉरी एजुकेशनल सोशियोलॉजी। अब देखिए एजुकेशनल सोशियोलॉजी एक ब्रांच होता है सोशियोलॉजी का, और वो एजुकेशनल सेटअप को डील करता है। इसके बारे में अच्छे से जानेंगे, ये पिक्चर देखिए ये है कौन, इनके बारे में भी आगे जानेंगे। तो हमारे पर्सपेक्टिव में पहले देखिए रिलेशन बिटवीन सोशियोलॉजी एंड एजुकेशन जानने से पहले हमें एजुकेशन सोशियोलॉजी जानना है। एजुकेशन हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, सोशियोलॉजी हमने पढ़ लिया, अब एजुकेशनल सोशियोलॉजी भी पढ़ लेंगे, क्योंकि नेट में एसएसबी में पूछ लेता है, तो कोई इनका कोई गारंटी नहीं है कि ऐसा नहीं है कि नहीं पूछेगा। ठीक है, तो एसएसबी या फिर नेट क्रैक करने का यही एक मेथड है कि आपको हर प्रकार का नॉलेज होना चाहिए। आप वहां पे कंप्लेन नहीं कर सकते हो कि ये सिलेबस में नहीं था, क्यों आया ये क्वेश्चन, ऐसे कंप्लेन नहीं कर सकते हो। एजुकेशनल सोशियोलॉजी बहुत ही बेसिक फंडामेंटल क्लियर हो जाएगा तो आप ये कर लोगे। चलिए देखते हैं एजुकेशनल सोशियोलॉजी ये क्या होता है, ये एक ब्रांच होता है सोशियोलॉजी का। सो एजुकेशनल सोशियोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ सोशियोलॉजी विच हैज कम इनटू एग्जिस्टेंस एज अ सिंथेसिस बिटवीन एजुकेशन एंड सोशियोलॉजी। सिंथेसिस मतलब दोनों का मिश्रण हुआ, एजुकेशन और सोशियोलॉजी दोनों का मिश्रण हुआ, और वहां पे एक जो स्टडी उत्पन्न हुआ उसका नाम हुआ एजुकेशनल सोशियोलॉजी। ई जॉर्ज पेन, जिसका पिक्चर आपने वहां पे देखा, ई जॉर्ज पेन इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ एजुकेशनल सोशियोलॉजी। एजुकेशनल सोशियोलॉजी के फादर है ई जॉर्ज पेन। अकॉर्डिंग टू हिम एजुकेशनल सोशियोलॉजी इज द अप्लाइड साइंस इन द फील्ड ऑफ सोशियोलॉजी। अच्छे से याद रखिएगा, उन्होंने कहा एजुकेशनल सोशियोलॉजी क्या होता है, एक प्रकार का अप्लाइड साइंस होता है। ठीक है, अप्लाइड विज्ञान होता है जिसको हम अप्लाई करते हैं, जिसको हम नियुक्त करते हैं इन द फील्ड ऑफ सोशियोलॉजी। फील्ड सोशियोलॉजी के फील्ड में एक अप्लाइड साइंस है। लेकिन अगर बात करें डेफिनेट, अगर डेफिनेशन की बात करें, हम क्या समझते हैं एजुकेशनल सोशियोलॉजी, एग्जाम में कैसे आएगा कि एजुकेशनल सोशियोलॉजी इज द एप्लीकेशन ऑफ सोशियोलॉजिकल प्रिंसिपल्स टू एजुकेशन फॉर द सेक ऑफ इंप्रूवमेंट ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम्स इन डिफरेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। देखिए शिक्षा क्या होता है, शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया होता है, इट इज अ सोशल प्रोसेस। तो सोशल प्रोसेस में अगर है तो फिर हम क्या करेंगे, जो सोशियोलॉजी के कुछ प्रिंसिपल्स है, कुछ एप्लीकेशंस है, उसको हम अप्लाई करेंगे टू द फील्ड ऑफ एजुकेशन टू इंप्रूव द एजुकेशनल प्रोग्राम, टू इंप्रूव द एजुकेशनल सेटअप। क्योंकि हमारे अंदर भी, हमारे क्लासरूम के अंदर, हमारे स्कूल के अंदर, हमारे इंस्टीट्यूशन के अंदर बहुत सारे सोशियोलॉजिकल प्रोसेस जो है वो चलते रहते हैं। तो हम सोशियोलॉजिकल प्रिंसिपल को अप्लाई करके एजुकेशन को, या फिर उसके जो अंदर जो एजुकेशनल प्रोग्राम्स है, या फिर उसके अंदर जो सामाजिक प्रक्रियाएं हैं, उसको हम और भी बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं कुछ डेफिनेशन। डेफिनेशन हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, ऐसा नहीं है कि डेफिनेशन हमने स्किप कर देना है। ठीक है, हमें डेफिनेशन भी याद रखना है एटलीस्ट थ्रू कीवर्ड्स। मैंने हमेशा बताया पूरा का पूरा पढ़ने का यहां से यहां तक याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स पिक कीजिए और उसको ट्रिक से याद कीजिए। ठीक है, जॉर्जी पेन फादर है तो उनको पहले जानेंगे। इन्होंने कहा एजुकेशनल सोशियोलॉजी इज अ साइंस विच डिस्क्राइब्स एंड एक्सप्लेन्स द इंस्टीट्यूशंस, सोशल ग्रुप्स, सोशल प्रोसेसेस और सोशल कंसर्न, दैट इज द सोशल रिलेशनशिप विच और थ्रू विच इंडिविजुअल गेन्स एंड ऑर्गेनाइजेशन हिज एक्सपीरियंस। बहुत बड़ा डेफिनेशन है लेकिन काम बहुत छोटा, यानी कि इन्होंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है एक छोटे से सेंटेंस में, देखा जा रहा है बड़ा लेकिन समझने में बहुत आसान होगा। देखिए इन्होंने कहा एजुकेशनल सोशियोलॉजी एक प्रकार का विज्ञान है जो कि हर चीज को डिस्क्राइब करता है, किस चीज को, इंस्टीट्यूशन को, किसी भी अनुष्ठान को, सोशल ग्रुप, हमारे सामाजिक जो ग्रुप्स वगैरह हैं। ठीक है, तो उसके बाद आता है सोशल प्रोसेस, हमारे अंदर किस प्रकार का सामाजिक प्रक्रिया है उसको एक्सप्लेन करता है। सोशल कंसर्न, हमारा क्या एक रोल होता है सामाजिक, हमारा क्या मतलब एक हमारा क्या कर्तव्य होता है या फिर हमारा क्या फर्ज होता है, सोशल कंसर्न, हमारा क्या लेना देना है हमारे सोसाइटी के साथ, उसको एक्सप्लेन करता है। और क्या करता है,
सोशल रिलेशनशिप विच इज विच और थ्रू विच द इंडिविजुअल गेन, उसके साथ ही साथ हमारा सामाजिक वर्ताव कैसा है, रिलेशन कैसा है, संपर्क कैसा है, और जिसके वजह से या फिर जिसके थ्रू से या फिर जिसके वजह से क्या होता है, एक इंडिविजुअल, एक इंसान क्या करता है, बहुत सारे ऑर्गेनाइज करता है अपने एक्सपीरियंस, यानी कि अपने एक्सपीरियंस गेन करता है। इसका कहने का मतलब ये था कि एजुकेशनल सोशियोलॉजी एक प्रकार का विज्ञान है जिसमें बहुत सारे चीज़ों का अध्ययन होता है, उसमें अनुष्ठान इंस्टीट्यूशन आते हैं, सोशल ग्रुप आता है, सोशल प्रोसेस आता है, सोशल कंसर्न आता है, और साथ ही साथ एक इंसान कैसे अपने एक्सपीरियंसेस या फिर अपने जो अनुभव को गेन करता है या फिर अनुभव लाता है या फिर उसको कैसे ऑर्गेनाइज करता है, उसको भी ये अध्ययन करता है। ठीक है, देन ओटावे ने कहा एजुकेशनल सोशियोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड सोसाइटी। एजुकेशन और सोसाइटी यानी कि शिक्षा और समाज के अंदर बीच में जो एक प्रकार का वैज्ञानिक अध्ययन करके वो रिलेशनशिप ढूंढता है, यानी शिक्षा और समाज में क्या संपर्क है, उस दोनों को स्टडी करता है एक साइंटिफिक तरीके से, एक वैज्ञानिक तौर से। ठीक है, रॉबिन्सन स्मिथ ने कहा एजुकेशनल सोशियोलॉजी इज द एप्लीकेशन ऑफ द साइंटिफिक मेथड्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी टू द स्टडी ऑफ एजुकेशन। इन्होंने कहा, रॉबिन्सन ने कहा कि एजुकेशनल सोशियोलॉजी एक प्रकार का वही साइंटिफिक मेथड है जिसको हम अप्लाई करते हैं, मतलब साइंटिफिक मेथड को अप्लाई करते हैं और प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हैं, कहाँ, एजुकेशन में अप्लाई करते हैं। सोशियोलॉजिकल प्रिंसिपल, सोशियोलॉजिकल मेथडोलॉजी, सोशियोलॉजिकल थ्योरी हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं एजुकेशन को ताकि हम उसे अच्छे से समझ सकें। क्लियर है बात। चलिए आगे देखते हैं, नीड फॉर एजुकेशनल सोशियोलॉजी, क्यों चाहिए हमें एजुकेशनल सोशियोलॉजी। देखिए इस क्लास में हमें पहले अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना है, सोशियोलॉजी, एजुकेशनल सोशियोलॉजी को अच्छे से समझना है ताकि हम इसके ऊपर जो भी पढ़ेंगे वो हमारा क्लियर हो जाए। ठीक है, स्ट्रांग होगा बेस तभी स्ट्रांग होगा आपका पूरा का पूरा इमारत। इट इज इंपॉर्टेंट टू स्टडी द सोशल प्रोसेस इन्वॉल्व इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जितने सारे सोशल प्रोसेसेस है इन्वॉल्व है उसको पढ़ने की, समझने की कोशिश करते हैं। देन इट इज नीडेड टू फोस्टर सोशल एटीट्यूड अमॉन्ग द पीपल थ्रू एजुकेशन एंड इम्प्रूव ह्यूमन रिलेशन। शिक्षा के वजह से या फिर शिक्षा के थ्रू, शिक्षा के माध्यम से हम क्या करेंगे, सोशल एटीट्यूड डेवलप करेंगे। ठीक है, सभी का जो व्यवहार है वो सामाजिक हो, सामाजिक प्राणी बने सभी, और ह्यूमन रिलेशनशिप हमारे अंदर जो आपसी मामला है या फिर आपसी हमारा जो संपर्क है उसको और भी बेहतर बनाएंगे। एजुकेशन हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स ऑफ सोसाइटी एट माइक्रो लेवल विच विल हेल्प इट टू अंडरस्टैंड प्रॉब्लम एट मैक्रो लेवल। अगर माइक्रो लेवल पर, इंस्टीट्यूशन लेवल पर हम समझ जाएं कि सामाजिक प्रॉब्लम्स या फिर क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, क्या क्या मुसीबतें आ रहे हैं, तो फिर उसको हम मैक्रो लेवल पर यानी बड़े लेवल पर भी हम उसे समझ सकते हैं। ठीक है, दे बोथ आर इंटररिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट। एजुकेशन और सोशियोलॉजी दोनों रिलेटेड है और डिपेंडेंट भी है, एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट भी है। इट प्रोटेक्ट्स एंड प्रमोट्स द प्रोग्रेस ऑफ कल्चर, यानी कि एजुकेशनल सोशियोलॉजी क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, बचाता है और प्रमोट करता है, यानी कि वो प्रोग्रेस करता है, हमारे कल्चर को आगे बढ़ाने में वो मदद करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है रिलेशनशिप बिटवीन सोशियोलॉजी एंड एजुकेशन। एजुकेशन और सोशियोलॉजी के बीच में क्या संबंध है, बेसिकली जो हमने अभी तक पढ़ा उसका ही एक समरी है आप बोल सकते हो। तो हमने अभी तक क्या देखा, सोशियोलॉजी एजुकेशन को कैसे हेल्प कर रहा है और एजुकेशनल सोशियोलॉजी क्या है, किस चीज़ का अध्ययन करता है, उसी तरीके से हम यहाँ पे देखेंगे सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोसाइटी। एक वैज्ञानिक प्रक्रिया या फिर विज्ञान होता है, समाज का विज्ञान होता है, और एजुकेशन क्या होता है, इम्प्लिसिट एस्पेक्ट ऑफ सोशल सिस्टम, और उसी सोसाइटी का एक इम्प्लिसिट एस्पेक्ट या फिर एक अंतर्निहित प्रक्रिया होता है शिक्षा। क्योंकि शिक्षा, मैंने कहा था शिक्षा किस में आता है, सोसाइटी के अंडर में आता है, तो सोसाइटी को कौन अध्ययन कर रहा है, सोशियोलॉजी कर रहा है। देन वी बोथ आर रिलेटेड टू ईच अदर बिकॉज सोसाइटी के पार्ट हम हैं और सोसाइटी को सोसाइटी या फिर सोशियोलॉजी स्टडी करता है। सोशियोलॉजी स्टडीज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सोशल सिस्टम वाइल एजुकेशन इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एनी सोशल सिस्टम। सोशियोलॉजी हमारे सोशल सिस्टम, सामाजिक व्यवस्था को और उसके स्ट्रक्चर को, गठन को और इसके फंक्शन यानी कि उसके काम को वो अध्ययन करता है। और एजुकेशन क्या है, एजुकेशन भी सामाजिक प्रक्रिया में एक छोटा सा प्रक्रिया होता है, यानी इट इज़ अ पार्ट ऑफ द सोशल सिस्टम नॉट द सोशल सिस्टम इट्सेल्फ। यानी समाज में बहुत सारे प्रक्रियाएं चल रही है, उनमें से एक है एजुकेशन, और सोसाइटी
को अध्ययन करते करते सोशियोलॉजी एजुकेशन को भी अध्ययन करता है, क्योंकि एजुकेशन सोसाइटी का एक पार्ट है। इसलिए सोशियोलॉजी पूरा का पूरा सोसाइटी अध्ययन करता है, सोशल सिस्टम अध्ययन करता है और उसके साथ ही साथ एजुकेशन को भी अध्ययन करता है। द प्राइम कंसर्न ऑफ सोशियोलॉजी इज सोशलाइज्ड इंडिविजुअल। सबसे इंपॉर्टेंट गोल होता है सोशियोलॉजी को कि एक अच्छा इंसान, एक सामाजिक व्यक्तित्व विकास किया जाए, यानी कि एक समाज में अच्छा इंसान बनाना ही इसका सबसे बड़ा लक्ष्य होता है। एजुकेशन इज द मीन्स फॉर अचीविंग द गोल ऑफ सोशियोलॉजी। और ये जो लक्ष्य है वो कैसे प्राप्त हो सकता है? थ्रू एजुकेशन। आपको पता है शिक्षा के बिना हम कोई भी गोल अचीव नहीं कर सकते हैं, तो सभी जो गोल्स होते हैं सोशियोलॉजी के वो सारे के सारे एजुकेशन के थ्रू ही अचीव होंगे। एजुकेशन इज द लैबोरेटरी एंड वर्कशॉप फॉर सोशियोलॉजी, यानी सोशियोलॉजी का लैबोरेटरी और वर्कशॉप एजुकेशन ही है। यहां पे एक्सपेरिमेंट होगा, यहां पे ही अप्लाई होगा। सोशियोलॉजी अटेम्प्ट्स टू असर्टेन द फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय द एजुकेशनल सिस्टम व्हाइल एजुकेशन अडॉप्ट्स द प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी टू इंप्रूव इट्स फंक्शनिंग। सोशियोलॉजी क्या करता है? कोशिश करता है कि फंक्शंस, जो कि फंक्शन करने के लिए किस चीज का, मतलब जो भी एजुकेशनल सिस्टम में फंक्शन, यानी कि एजुकेशनल सिस्टम में फंक्शनिंग कौन करता है? सोशियोलॉजी करता है। और एजुकेशन कोशिश करता है कि सोशियोलॉजी में जितने सारे प्रिंसिपल्स हैं उन्हें अडॉप्ट करके अपने सिस्टम को और भी इम्प्रोवाइज करने के लिए, ठीक है। तो दोनों का रिलेशन ऐसा है कि एक दूसरे से साथ रिलेटेड है और एक दूसरे के साथ डिपेंडेंट भी है, ठीक है। इसमें हम समझेंगे कि किस प्रकार का रिलेशन है एजुकेशनल सोशियोलॉजी। अब देखिए, अगर मान लेते हैं ये एक शिक्षा व्यवस्था है हमारे इंडिया का, या फिर मान लीजिए कोई भी देश का हो चाहे, ठीक है, उनका एक समाज है, समाज का एक पार्ट है अपना एजुकेशन। तो फिर मान लीजिए अगर ये इंडियन सोसाइटी है, ठीक है, या फिर इंडियन एजुकेशन सिस्टम है, मान लीजिए ये इंडियन एजुकेशन सिस्टम है, तो जब हम करिकुलम डिसाइड करेंगे, देखिए करिकुलम पहला पार्ट है करिकुलम, जब हम करिकुलम डिसाइड करते हैं तो क्या हम सोसाइटी को नहीं देखते हैं? सोसाइटी के नीड्स को नहीं देखते हैं? सोसाइटी के डिमांड्स को नहीं देखते हैं? जरूर देखते हैं, क्योंकि स्टेक होल्डर में सोसाइटी मेंबर्स भी तो आते हैं। तो इसीलिए जब हम एजुकेशन का करिकुलम डिसाइड करते हैं, करिकुलम ऑफ द एजुकेशन जब हम डिसाइड करते हैं, तब सोशियोलॉजी का हेल्प लिया जाता है, यानी ये भी एक रिलेशन है। दूसरा है मेथड ऑफ टीचिंग। सोसाइटी जब जब बदलता जाता है तब तब मेथड भी चेंज होता जाता है, ठीक है। चाइल्ड सेंट्रिक लर्निंग अभी चल रहा है तो फिर मेथड्स भी चेंज हो जाएंगे, तो सोसाइटी जैसा बदलता रहेगा वैसे मेथड्स भी बदलते रहेंगे। नेक्स्ट है रोल ऑफ टीचर। रोल ऑफ टीचर जो है वो भी तो चेंज होता है सोसाइटी जैसा चाहता है। उसके बाद सबसे पहले आना चाहिए था एम्स ऑफ एजुकेशन, ठीक है। एम्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का लक्ष्य कौन किससे, मतलब हमें पता चलता है कि क्या लक्ष्य रहेगा। इट इज टू बी इक्विवेलेंट और इट इज टू बी मैच्ड विद द नीड्स और एम्स ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी का क्या लक्ष्य है, सोसाइटी में क्या प्रॉब्लम्स चल रहा है, सोसाइटी हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, उसी को देख करके हम अपना एजुकेशन का एम डिसाइड करते हैं। तो एम डिसाइड करने में हमें सोशियोलॉजी मदद करता है शिक्षा में, करिकुलम डिसाइड करने में मदद करता है, मेथड्स डिसाइड करने में मदद करता है, मेथड्स ऑफ टीचिंग और रोल ऑफ टीचर डिसाइड करने में भी मदद करता है, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। सो दिस क्लास, आज का क्लास जो है ना, आज थोड़ा सा छोटा क्लास था, छोटा क्लास नहीं बोलूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास था। हम बिट वाइज पढ़ा रहे हैं तो बिट वाइज रिलेशनशिप आज था, तो हम एमसीक्यू करेंगे और नेक्स्ट क्लास में जो है हम सोशल चेंज पढ़ेंगे। बिट वाइज जा रहे हैं ताकि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, एक बार आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, कुछ नोट्स आपके पास हो गए, प्रैक्टिस करते रहे क्वेश्चन, तो फिर आप यू आर डन विथ 75%। बाकी 25 आपको सारे के सारे जब जहां, मतलब आप आज तक जो कुछ भी पढ़े हो, यानी कि ग्रेजुएशन हो गया, पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया, जो भी आपने किया है आपके कोर्स के वाइज, आपने एजुकेशन में जो भी पढ़ रखा है या फिर आपका जो नोट्स बनाया है या फिर एक्सपीरियंसेस हैं आपके, ठीक है, वो बाकी 25% आपके वहाँ पे कवर होंगे। बाकी 75% हमारे क्लासेस से आपको मिल जाएंगे। और अगर टाइम परमिट करता है और आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहे, आप ऐसे ही एडुचैंट्स को प्यार देते रहे, शेयर करते रहे, तो फिर हम कोशिश करेंगे बहुत सारे MCQs जो कि पैरेलल लाएंगे हम, सो दैट इट विल मैच विद द स्टैंडर्ड्स ऑफ SSB। SSB के स्टैंडर्ड के साथ जो भी क्वेश्चंस होंगे हम कोशिश करेंगे डेली 25-30 क्वेश्चंस हम आपको कराएंगे, जब तक आपका सपोर्ट मिलता रहेगा। तो चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ सोशियोलॉजिकल प्रिंसिपल्स इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन इज कॉल्ड एज। जब हम सोशियोलॉजिकल प्रिंसिपल को अप्लाई करते हैं एजुकेशन के फील्ड में, उसको क्या कहते हैं? सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, एजुकेशनल सोशियोलॉजी, एजुकेशनल सोशियोलॉजिकल, बोथ ए एंड बी, क्या हो जाएगा आंसर? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। यू पीपल आर नॉट राइटिंग द आंसर। अगर थोड़ा सा आंसर कर देते हैं ना तो हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, चलिए कोई तो हमारा क्लास अच्छे से पढ़ रहा है
ओबीडियंटली पढ़ रहा है और हमें अच्छा भी लगेगा ताकि हम किसी को पढ़ने में मदद कर पा रहे हैं, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर बताइएगा क्या होगा। डेफिनेटली बी होगा, एजुकेशनल सोशियोलॉजी, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है कि हमें सोशियोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना है इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट है फाइंड द ऑड वन आउट, ऑड वन को आउट कीजिए। ई जॉर्ज पेन, ऑगस्ट कॉम्टे, टैलकॉट पार्सन, क्लार्क हल, बताइए क्या होगा। सिंपल सा आंसर है, क्लार्क हल अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है, तो बाकी सब के सब सोशियोलॉजिस्ट है, तो ये ऑड हो गए। नेक्स्ट है, हु सेड एजुकेशनल सोशियोलॉजी इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड सोसाइटी। किसने कहा था कि एजुकेशनल सोशियोलॉजी एक वैज्ञानिक प्रक्रिया होता है, वैज्ञानिक अध्ययन होता है, जो कि शिक्षा और समाज के बीच में जो है रिलेशनशिप को स्टडी करता है। ओटावे, ई जॉर्ज पेन, रॉबिन्सन स्मिथ, किम्बल यंग, किसने कहा था बताइएगा। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ओटावे। ओटावे ने कहा था कि ये एक प्रकार का वैज्ञानिक अध्ययन है जो कि शिक्षा और समाज में क्या संबंध है उसको अध्ययन करता है। नेक्स्ट है, द वर्ड सोशियोलॉजी वॉज यूज फॉर द फर्स्ट टाइम इन, सोशियोलॉजी जो शब्द है वो पहली बार कब यूज किया गया था। 1835, 1837, 1838, 1839, पॉज कीजिए और आंसर कीजिए। आंसर हो गया 1837। 1837 को सबसे पहले ऑगस्ट कॉम्टे ने अपने लेक्चर में ये वर्ड यूज किया था, सोशियोलॉजी, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिसाइडेड विद द हेल्प ऑफ सोशियोलॉजी, इनमें से कौन सा डिसाइड नहीं किया जाता है सोशियोलॉजी के माध्यम से या फिर सोशियोलॉजी के मदद से। एम्स ऑफ एजुकेशन, रोल ऑफ टीचर, कॉन्टिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, मेथड्स ऑफ टीचिंग, बताइएगा ये आंसर क्या है पॉज करके। तो चलिए इसका आंसर हो गया कॉन्टिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, ये आंसर नहीं होगा क्योंकि ये डिसाइड नहीं होता है सोशियोलॉजी के थ्रू में। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द सेशन इफ दिस क्लास सीम्स हेल्पफुल टू यू। थैंक यू अगेन।